नमस्कार जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में और अभी नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे जो है जोधपुर उसकी तरफ से इनविटेशन लेटर आया है रोजगार मेला का और ये जो एड्रेस दिया गया है ये मतलब मेनली अभी हो रहा है पॉइंट मैन का मैन का कैटेगरी नंबर एट था उनको अभी बुलाया जा रहा है और जो एड्रेस है वो एस मेडिकल कॉलेज जोधपुर का है जो कि तेरह अप्रैल दो को होगा और ये अलग अलग डेट है मतलब 12 तारीख को भी है 10 तारीख तो को हो हो भी ऐसे आप यहाँ पे देखो तेरह तारीख को होगा आई डी होगा तो वहाँ पे जिनको भी ये बुलाया जा रहा है एड्रेस ये रहा डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज रेसिडेंसी रोड जोधपुर और सबका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो कि क्या सब लेके जाना है मेनली आपको आधार कार्ड या अगर पेन कार्ड है कुछ ऐसा है का एक फोटो आई प्रूफ होना चाहिए ताकि आप औरिजिनल हो बस वही चाहिए होता और कुछ चाहिए नहीं होता लेकिन फिर भी ये कन्फर्म होने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर अपना बात करके ये कर लीजिएगा और अभी इसमें क्या सब होगा तो देखिए जैसे 12, 13, 10 से ही स्टार्ट हो जाएगा और 18 तक आई थिंक है तो दिया जाएगा बारी बारी से तो आपको वहाँ पे तीन चार दिन रहना पड़ जाएगा तो इसीलिए थोड़ा पैसा वैसा या अपना माइंड सेट उस हिसाब से करके जाइएगा कि वहाँ पे हमको तीन चार दिन रहना पड़ सकता है क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि उनको लगता है कि एक दिन देगा फिर आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है वहाँ पर रहना पड़ जाएगा और जैसे भी ज्वाइनिंग लेटर देगा ना तो वो कुछ खास है नहीं बस ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसके बाद आपको फिर जो ट्रेनिंग के लिए होता है ना स्लॉट किया जाएगा जैसे अगर आप देखो अभी प्वाइंट मैन का ही पहले दिया जा रहा है जबकि ये गलत है पहले ट्रैकमैन का देना चाहिए था क्योंकि ट्रैक मैन का जो ये होता है ना ट्रेनिंग वो कम समय का होता है तो उसको किसी स्लॉट के बीच में भी करवा के निकाला जा सकता था छः से सात दिन का ट्रेनिंग होता है लेकिन पॉइंट मैन का ट्रेनिंग लंबा चलता है तो इन लोगों को पहले नहीं करना चाहिए था लेकिन खैर पता नहीं क्या इस पर सीन है सब कुछ उल्टा पुलटा हो रहा है और ये रोज़गार मेला तो बस जानते ही हैं कि जिसमें वैकेंसी कम था या फिर उसको लिया जा रहा है ताकि बस फ़ोटो वोटो खिंचाया जा सके और कोई खास इसका मकसद है नहीं विद्यार्थी को बस परेशान करना है क्योंकि मैं इससे पहले भी एक वीडियो साझा किया हुआ था कि ऐसा कुछ मतलब है ही नहीं बस आप लोग यार थोड़ा कर सकते हो कि ट्विटर ट्विटर पे ये चीज़ की रोज़गार मेला को यार बंद करे फालतू है विद्यार्थी को बस परेशान करना है कोई भी कैंडिडेट अभी जाएगा समझ लो बिहार का ही कोई जोधपुर जाएगा या यूपी का ही जोधपुर जाएगा चार पाँच दिन वहाँ पर रहेगा फालतू पैसे बर्बाद है जबकि चाहे तो जब ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा उस टाइम भी ज्वाइनिंग लेटर दे सकता है तो खैर ये फालतू ही है खैर जिनका भी जोधपुर का है वो अपना देख के अटेंड कीजिएगा अब देखिए गुस्सा में कुछ बोल देना वो अलग चीज़ है और इसका विरोध कर देना वहाँ पे जाके ये दोनों अलग चीज़ हो जाता है ठीक ना ये चीज़ समझ रहे हैं ना क्योंकि दिक्कत है नौकरी करना ही है आपको तो मतलब इसको लेके ऐसा नहीं कि माइंड सिटे नहीं हम जाएंगे ही नहीं फ़ोटो खिंचवाना है तो कई कई लोग कमेंट कर रहे थे तो कि फोटो खिंचवाएगा तो हम लेंगे ही नहीं मेरे भाई इतना मेहनत करके आए हैं तो ले ही लीजिए लेकिन ये तरीका गलत है ठीक है तो जिनका भी है जोधपुर से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा आपके साइट सेपरेट मिल जाएगा नहीं तो ये पी जो है हम टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा